सो हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप लोग? मेरी आवाज आ रही है? सो माय डियर फ्रेंड, जैसा आपको पता, अपन कर रहे हैं गेट प्रीवियस ईयर क्वेश्चन, स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल के क्वेश्चंस की प्रैक्टिस कर रहे हैं। और अभी जो है फिलहाल डेली दो क्लासेस चल रही हैं आपकी, एक मॉर्निंग एक इवनिंग, एक मॉर्निंग एक इवनिंग, ऐसे करके। सो सभी लोग फटाफट से आ जाइए। वेरी गुड इवनिंग, गुड इवनिंग, गुड इवनिंग, गुड इवनिंग एवरीवन। हम बात करने वाले हैं स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल गेट प्रीवियस ईयर क्वेश्चन, जहां तक सुबह छोड़कर गया था उसके आगे की बात अभी हम करेंगे। सो सभी जल्दी से जल्दी आ जाइए। यस, चलो। सो माय डियर फ्रेंड, हम बात कर रहे हैं, देखिए सिंपल स्ट्रेस स्ट्रेन हो गया है, थर्मल स्ट्रेस स्ट्रेन हो गया है, प्रिंसिपल स्ट्रेस स्ट्रेन और मोहर सर्किल नाम के इस चैप्टर में हमने काफ़ी सारे क्वेश्चन कर लिए हैं। अभी कुछ क्वेश्चन और रह रहे हैं और उसमें हमारा प्रिंसिपल स्ट्रेस का कुछ क्वेश्चन रह रहा है, प्रिंसिपल स्ट्रेन के ज़्यादातर क्वेश्चन हैं। सो अभी जो है हम लोग उन सारे क्वेश्चंस को फोकस करेंगे, ठीक है? चलिए। तो स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल गेट PYQ, दिस इज द टारगेट बैच। और टारगेट बैच में जो है आप लोगों को मेरा टारगेट यही है, गेट प्रीवियस ईयर क्वेश्चन आपका कंप्लीट हो जाए। अगर आपका इसके बाद भी कोई डाउट रहता है तो आप आलोक लाइव टेलीग्राम चैनल पे मैसेज कर सकते हैं। नाउ अगर मैं बात करना चाहूँ MECH, सिविल, CS, IT, इन सभी के बच्चों के लिए अगर 4 मंथ का सब्सक्रिप्शन देखें, दैट इज 19,240 रुपीज है। आपके लिए 4 महीने और रह गए गेट 2023 में, तो आप यहाँ फोकस कर सकते हो इस 4 मंथ के सब्सक्रिप्शन पे। आलोक लाइव कोड लगाओगे और आप हमारे साथ यहाँ जुड़ जाओगे। सो 4 मंथ के लिए आप 2023 के लिए यहाँ हमारे साथ ज्वाइन करके पढ़ाई कर सकते हो। सो दीज आर द USP। USP क्या है? ब्रह्मास्त्र बैच का। यहाँ जो है आप लोग को कोर्स कंप्लीशन मिलेगा टॉप एजुकेटर के थ्रू, डेली डाउट सॉल्विंग क्लासेस हैं। अगर मैं बात करना चाहूँ DPP मिलेगा, स्पेशल बैच मिलेगा, ठीक है ना? और इसके साथ साथ प्रैक्टिस एंड स्ट्रेटजी सेशंस मिलेंगे, स्टडी मटेरियल मिलेगा, नोट्स नोट के वेब के फॉर्म में मिलेगा, मतलब डिजिटल फॉर्म में, टेस्ट सीरीज मिलेगा, 1,000 से भी ज़्यादा अच्छे क्वेश्चन मिलेंगे, सब्जेक्ट वाइज वर्कबुक मिलेगा, गेट प्रीवियस ईयर क्वेश्चन मिलेगा। ये सारी चीज़ें ब्रह्मास्त्र प्लस बैच के अंदर अवेलेबल हैं। सो दीज आर द USP ऑफ ब्रह्मास्त्र प्लस बैचेस। अगर आप ब्रह्मास्त्र प्लस बैचेस में अगर आप हमारे साथ पढ़ना चाहते हैं, सो यूज कोड आलोक लाइव, ALOK LIV, आपको इस कोड को इस्तेमाल करना है और जुड़ जाना है, ठीक है ना? आप देख पा रहे होंगे 14th of October से ये बैच स्टार्ट हो गया है, ठीक है ना? 14th of October से ये बैच स्टार्ट होगा। यू कैन सी दिस गुरुकुल बैच 2024 के लिए, ध्यान रखिएगा, ब्रह्मास्त्र बैच स्टार्ट हो चुका है, गुरुकुल बैच स्टार्ट होने वाला है 14th of October। आलोक लाइव कोड लगाकर ज्वाइन कर सकते हैं। चलिए तो शुरुआत करते हैं अपनी पढ़ाई। वेरी गुड इवनिंग, गुड इवनिंग, गुड इवनिंग, गुड इवनिंग टू ऑल। सही बच्चे आ जाइए। हेलो डियर, चलो। तो क्वेश्चन जो था यहां तक हमने छोड़ा था आपको, ठीक है? इसके आगे मूव करते हैं। ठीक है, चलिए देखते हैं। द स्टेट ऑफ स्ट्रेस एट ए पॉइंट एज, किसी एक पॉइंट पे स्टेट क्या है स्ट्रेस का? सिग्मा एक्स बराबर सिग्मा वाई बराबर सिग्मा जेड बराबर टाउ एक्स जेड टाउ टाउ जेड एक्स टाउ वाई जेड टाउ जेड वाई, सब 0 है। टाउ एक्स वाई टाउ वाई एक्स बराबर है, बस। किसी स्टेट मतलब एक स्टेट ऑफ स्ट्रेस बताया गया है कि आप सिग्मा एक्स ले लें या सिग्मा वाई ले लें या सिग्मा जेड ले लें या टाउ एक्स जेड ले लें या इसका उल्टा टाउ जेड एक्स ले लें
या टाउ वाई जेड ले लें या इसका उल्टा टाउ जेड वाई ले लें, ये पूरा सिस्टम क्या है, जीरो के बराबर है। बस यहां एक एलिमेंट नहीं है, दैट इज टाउ एक्स वाई बराबर टाउ वाई एक्स, ये बराबर है 50, ये बराबर है किसके, 50 के। सो माय डियर, कल बता देंगे डियर, उसके लिए टेंशन मत लो, कल बता देंगे उसको, मैंने अभी तक देखा भी नहीं है उसको सही से क्वेश्चन को। द मैक्सिमम नॉर्मल स्ट्रेस एट द पॉइंट एच, द मैक्सिमम नॉर्मल स्ट्रेस एट द पॉइंट एच। अब देखो, अगर सिर्फ सीयर लग रहा है, यहां क्या लग रहा है, ओनली सीयर लग रहा है, दैट मीन्स हम ये कह सकते हैं कि हाँ यहां प्योर सीयर की बात है। अगर यहां सिर्फ सीयर लग रहा है तो हम ये कह सकते हैं हाँ यहां प्योर सीयर की बात चल रही है, प्योर सीयर की बात चल रही है। तो आपको पता है ना, आप इसका मोहर सर्किल जब भी खींचोगे तो एट दैट सिचुएशन आप चाहे इधर जाओ तो पॉजिटिव टाउ, आप इधर आओ तो नेगेटिव टाउ, ऊपर जाओ तो पॉजिटिव टाउ, नीचे आओ तो टाउ, मतलब हर कोने कोने पे आपको सिर्फ टाउ दिखेगा। सो माय डियर, अगर सिर्फ ओनली सीयर है दैट इज प्योर सीयर। प्योर सीयर का मतलब है तुमसे कुछ भी पूछ रहा हो, इस केस में कुछ भी पूछ रहा हो, एनीथिंग, तुम्हारा हर चीज क्या होता है, सीयर स्ट्रेस ही होता है, मतलब जो क्वेश्चन में दिया होता है वही आंसर होता है। क्वेश्चन में 50 दिया है, आंसर भी 50 होगा। मैं आंसर क्वेश्चन पढ़ ले रहा हूँ, द मैक्सिमम नॉर्मल स्ट्रेस, कॉमन सेंस है, तुम इसमें मैक्सिमम नॉर्मल स्ट्रेस निकाल कर देख लो, तुम्हारा आंसर प्लस का टाउ आएगा, जाकर देख लो। अब सर कैसे देखेंगे, कुछ नहीं बेटे, तुम्हें इतने सारे फॉर्मूले बताए गए हैं, उन सारे फॉर्मूले में वैल्यू रखो, आंसर निकाल लो, खत्म करें, ठीक है ना। तो नॉर्मल स्ट्रेस सर ये फॉर्मूले में गाल कैसे देखेंगे सर, अच्छा यहां से देखते हैं, ये है ना मैक्सिमम नॉर्मल स्ट्रेस, जिसको हम सिग्मा वन कहते हैं, वो किसके बराबर है, प्लस के टाउ के। आप मोहर सर्किल से देख लो, मोहर सर्किल में दिया है, समझ गए, तो आप मोहर सर्किल से देख लो, चाहे फॉर्मूला में डाल के देख लो, आंसर 50 ही आएगा, समझ गए। एक मार्क्स का क्वेश्चन था, कोई बड़ा जोरदार क्वेश्चन नहीं था, आसान क्वेश्चन था, एक मार्क्स का क्वेश्चन था, आप देख सकते हैं, ठीक है, जल्दी देखिए, क्लियर है ना। गला दुख रहा है अभी, धीरे धीरे करते हैं, ये क्वेश्चन देखते हैं, दो नंबर क्वेश्चन है 2018 का, दिस इज द टू मार्क्स क्वेश्चन, टू मार्क्स क्वेश्चन है, दो नंबर का क्वेश्चन है 2018 का, टू मार्क्स क्वेश्चन, कह रहे द स्टेट ऑफ स्ट्रेस एट ए पॉइंट फॉर ए बॉडी इन प्लेस प्लेन स्ट्रेस, ये प्लेस लिख दिया है, प्लेन स्ट्रेस एज शोन इन फिगर, इफ द मिनिमम प्रिंसिपल स्ट्रेस एच, मिनिमम कौन होता है, सिग्मा टू, देन द नॉर्मल स्ट्रेस, इन वाई डायरेक्शन, मतलब कहने का मतलब है क्वेश्चन में मांग रहा है सिग्मा वाई, तो बेटे सिग्मा एक्स दिया, टाउ एक्स दिया है, सिग्मा टू का फॉर्मूला आप सभी जानते हो, सिग्मा एक्स प्लस सिग्मा वाई बाई टू माइनस रूट ऑफ सिग्मा एक्स माइनस सिग्मा वाई बाई टू का होल स्क्वायर प्लस टाउ एक्स वाई का स्क्वायर। बेटे यहां सब कुछ रख दीजिए, सिग्मा एक्स ये है, टाउ एक्स वाई ये है, सिग्मा वाई निकालना है, निकाल आ गया, आंसर बताइए बेटे, सिग्मा टू ये है
और सिग्मा एक्स टाउ एक्स वाई दिया, सिग्मा वाई निकाल दीजिए, जरा जल्दी से बताइए आंसर क्या आया, सिग्मा वाई क्या आया, सिग्मा वाई क्या आया। क्या आएगा कैलकुलेट कर लीजिए। सर इलेबोरेट, सॉल्व कैसे करें, किसको भैया सॉल्यूशन सिग्मा वाई, मेरे भाई कह रहा हूं सिग्मा टू दिया हुआ है, सिग्मा एक्स ये रहा, टाउ एक्स वाई ये रहा, अब सिग्मा वाई निकालना है, अब क्या इलेबोरेट करना, रखो आंसर निकालो, बताओ मेरे को क्या आया। क्वेश्चन में सिग्मा टू 10 किलो पास्कल लिखा हुआ है, मिनिमम प्रिंसिपल स्ट्रेस दैट इज सिग्मा टू। अब ठीक है, ये कुछ टेक्निकल इशू हो रहा है, ठीक है, मेगा पास्कल नहीं है बेटे, किलो पास्कल, ठीक ना, किलो पास्कल नॉट मेगा पास्कल, दिस इज द किलो पास्कल, ओके ठीक है, 37.78 किलो पास्कल। नाउ देखो ये प्रिंसिपल स्ट्रेन का है, मैं प्रिंसिपल स्ट्रेन के क्वेश्चन एक साथ उठा के सारे सॉल्व करूंगा, अभी मैं प्रिंसिपल स्ट्रेस सॉल्व कर रहा हूं। देखो मैग्नीट्यूड ऑफ सीयर स्ट्रेस आप ये कर सकते हो, ये वाले करो, मैं स्ट्रेन वाले क्वेश्चन एक साथ कराऊंगा, स्टेट ऑफ स्ट्रेस एट ए पॉइंट, स्टेट ऑफ स्ट्रेस एट ए पॉइंट इन कंपोनेंट रिप्रेजेंट बाय मोहर सर्किल ऑफ द रेडियस, मोहर सर्किल ऑफ रेडियस 100 मेगा पास्कल सेंटर्ड एट 200 मेगा पास्कल ऑन द नॉर्मल स्ट्रेस एक्सेस, बताइए मोहर सर्किल ऑफ रेडियस, तो रेडियस क्या होता है, मैक्सिमम शियर स्ट्रेस दैट इज 100 मेगा पास्कल सेंटर्ड एट 200 मेगा पास्कल ऑन द नॉर्मल स्ट्रेस एक्सेस, ऑन ए प्लेन पासिंग थ्रू द सेम पॉइंट द नॉर्मल स्ट्रेस इज, हेलो अनिश फटाफट करो, चलिए जल्दी करिए,
बताइए, ये नॉर्मल कहां तक का है? सेंटर तक का, सेंटर तक का है, ठीक है ना? देखो इस क्वेश्चन को अगर हम करें, इसको अगर अपन मोहर सर्किल बना करें तो आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, तो ये हमारा एक होता है सीयर स्ट्रेस, एक होता है नॉर्मल स्ट्रेस। ठीक है, नाउ अब अगर मैं यहां बात करूं कि क्वेश्चन जो है पहले कह रहा है कि मोहर सर्किल का रेडियस 100 है, ओके और सेंटर है 200 पास्कल ऑन द नॉर्मल एक्सिस, मतलब यहां से इसके सेंटर के बीच की गैप 200 है, ओके इसका रेडियस 100 है, ठीक है रेडियस 100 है, तो आप खुद समझो यहां भी 100 होगा, यहां भी 100 होगा, है ना? तो इसका मतलब 200 में से अगर मैं 100 हटा दूं तो ये कितना आ गया? ये आ गया 100, है ना? ये पॉइंट कितना आ गया? ये आ गया 100, और 200 में 100 जोड़ दूं तो ये पॉइंट कितना आ गया? 300, ठीक है ना? तो आई होप आपको समझ में आ गया कि सिग्मा वन ये सिग्मा टू है, ठीक है ना? फिर और क्या कह रहा है, ऑन द प्लेन पासिंग थ्रू द सेम पॉइंट द नॉर्मल स्ट्रेस इज 260 मेगा पास्कल। अब लिटरली में सही में जो ग्राफ बना हमारा मोहर सर्किल का, उसमें हमारा नॉर्मल स्ट्रेस 260 मेगा पास्कल, द मैग्नीट्यूड ऑफ द सियर स्ट्रेस ऑन द सेम प्लेन एट सेम पॉइंट, ठीक है ना? हमने कोई भी प्लेन मान लिया, ठीक है ना? अब इस प्लेन पे जो है हम लोग कहीं भी, सॉरी यहां से, हाँ इस प्लेन पे ना हम लोग कहीं भी, ये तो हमारा मैक्सिमम सियर स्ट्रेस है, दिस इज द रेडियस ऑफ मोहर सर्किल, वही है ये। नाउ अब आप जो है देखते हो बेटे, और क्या ग्राफ बनाते हो? अब ये ग्राफ बनाते हो कि इसको बेस मान के हम लोग क्लॉक या एंटी क्लॉक चलते हैं और वहां से कोई ना कोई प्लेन कंसीडर करते हैं, यही होता है ना? तो ऐसे ही कुछ चलेंगे, आप चाहे तो एंटी क्लॉक चल लो, चाहो तो क्लॉक चल लो। इस क्वेश्चन में ऐसा कुछ नहीं दिया है, ठीक ना? कोई मोशन नहीं दिया किस डायरेक्शन में जाना है, दैट्स इट। आप चाहे ऐसे चल लो, आप चाहे ऐसे चल लो, चलो भाई कहीं से भी चलते हैं, लेकिन मैक्सिमम प्रिंसिपल वाले प्लेन से चलेंगे। ओके मैं ऐसे चलूंगा, ठीक है? सो दिस इज व्हाट, ये एंगल हमने चला, ओके ये 2 थीटा एंगल होता है। अब इस एंगल से एक सीधी लाइन खींचेंगे, परपेंडिकुलर लाइन, दैट इज कॉल्ड एज टाउ सीयर, ठीक है ना? समझना। और इस पॉइंट तक यहां से क्वेश्चन में दूरी दिया हुआ है, दिस इज नॉर्मल स्ट्रेस, दिस इज 260, ये दूरी 260 दी है क्वेश्चन में, नॉर्मल स्ट्रेस, ये सीयर स्ट्रेस, ठीक है ना? हमें क्वेश्चन में क्या मांग रहा है? सीयर स्ट्रेस, हमें टाउ मांग रहा है। जरूरी नहीं ग्राफ नीचे बने, आप ऊपर बना लो, कोई दिक्कत नहीं, ठीक है? अब ये टाउ कैसे निकलेगा? तो डियर यू कैन सी दिस, यहां तक 200 है और ये है 260, तो इसका बेस क्या होगा इस ट्राइंगल का? इस ट्राइंगल को मैं अलग से बनाता हूं बाहर, सी दिस, इफ दिस इज 260, दिस इज 200, तो ये गैप क्या होगा? दिस इज 60, ये क्या है बेटे? सर दिस इज द रेडियस,
ये क्या है? दिस इज द रेडियस। रेडियस क्या है? 100। तुम्हें टाउ बताना। क्या तुम पाइथागोरस लगा पाओगे? बिल्कुल लगा सकते हो। 100 का स्क्वायर -60 का स्क्वायर बराबर टाउ का स्क्वायर। टाउ कितना आया? क्या कह रहे हो? मुझे ऑनलाइन क्लास लेना है। कैसे लें? गेट का ऐप पर पढ़ाते हैं मुझे, आपके सब सब्जेक्ट पढ़ने हैं। देखो, अगर आपको एडमिशन लेने का है ना, तो उसके लिए आपको अनअकैडमी लर्निंग ऐप इंस्टॉल करना पड़ेगा। अनअकैडमी लर्निंग ऐप इंस्टॉल करना पड़ेगा और आफ्टर द इंस्टॉलेशन आपको सब्सक्रिप्शन लेना पड़ेगा। और अगर आपको मेरे अंडर में पढ़ने का है तो यू कैन यूज द कोड दैट इज आलोक लाइव। आप कोड लगा सकते हैं दैट इज आलोक लाइव। ओके, बहुत बहुत धन्यवाद। ये सब मत लिखा करो, आप मैकेनिकल के लिए गॉड है, ये सब चीज अच्छी नहीं लगती मुझे। ठीक है ना? एवरीथिंग इज गुड, ठीक है ना? हर चीज अच्छा है, कॉन्सेप्ट आपका क्लियर हो वही बहुत अच्छा है ना? लेकिन भगवान की बराबरी कोई नहीं कर सकता, ठीक है ना? मैकेनिकल इज गुड, ठीक है ना? आप ये कह सकते हो आप मैकेनिकल मास्टर, ठीक है ना? सो यू कैन सी दिस, आलोक लाइव कोड लगा के आप हमारे साथ जुड़ सकते हो। आपको अनअकैडमी लर्निंग ऐप इंस्टॉल करना है। पचास नंबर पर कोई आईआईटी मिल सकता है? देखो यार, आईआईटी के लिए कोशिश करो 60 नंबर से ऊपर रहे या 60 तक रहे, ज्यादा बेटर रहेगा। 50 पर कोई नई आईआईटी मिल जाएगी तो वो लेके, बस आईआईटी के टैग चाहिए तो मिल ही जाएगा, क्या दिक्कत? आईआईटी के टैग चाहिए तो कोई दिक्कत थोड़ी ना, वो तो कहीं ना कहीं से मिल ही जाएगा, है ना? अब ये क्या बेटे, 100 - 60 दैट इज 40, 100 + 60 दैट इज 60। तो 16 × 64 80 आएगा क्या? 80 आएगा ना, 80 आएगा ना, टाउ 80 आएगा। सही है ना? क्लियर? अगर आपको आईआईटी चाहिए तो बेटे कोशिश करो कि 60+ मार्क्स लाना है। अगर आपको गुड आईआईटी चाहिए, गुड आईआईटी चाहिए तो 60 से ज्यादा नंबर वाले होंगे मिनिमम, ठीक है ना? यस, 80 होगा। चलिए नेक्स्ट। ये करना करना जरा, करे स्ट्रेट स्ट्रेस स्टेट एट ए पॉइंट इन ए मटेरियल अंडर प्लेन स्ट्रेस कंडीशन इज इक्वल इक्विबाइएक्सियल टेंशन। क्या बोल रहे बेटे? बहुत बड़ी बात बोल दी, इक्विबाइएक्सियल। इक्विबाइएक्सियल का मीनिंग जान दो क्या है? इक्विबाइएक्सियल का मीनिंग जान दो क्या है? इक्वल बाइएक्सियल। सर इस बार पीएसयू कितना नंबर तक मिल जाएगा, नीटी या पीएसयू? देखो यार, दोनों के जगह अपनी अपनी वैल्यू है। नीटी में अगर आपको सच में मिल जाता है नीटी, और नीटी मुंबई ही है, अगर आपको नीटी मुंबई मिल जाता है तो आई थिंक वहां से भी आपका 40 लाख तक का पैकेज है। हाँ, आफ्टर दैट नीटी 40 लाख तक का पैकेज गया है, 20 लाख - 30 लाख तक का पैकेज आराम से जाता है, 40 लाख भी गया है, ठीक है ना? अगर हम नीटी मुंबई मिल जाता है तो,
और अगर आपको कहीं PSU मिल जाता है तो ऑन एन अप्रोक्स PSU में भी आपको 20-25 लाख तक का आराम से मिलेगा ही, ठीक ना। स्टार्टिंग आपका कितना रहेगा, 15 लाख 18 लाख, ठीक ना, ऐसे रहेगा, 15 तक मैक्सिमम रहता है स्टार्टिंग में, ऐसे ही कुछ रहेगा, 15 के आसपास रहेगा, 12-15 इसी के आसपास रहेगा, ठीक है। तो यू कैन सी दिस, ठीक है, इस क्वेश्चन को करिए जल्दी। इक्वी बाई एक्सियल टेंशन है, ठीक ना, विद अ मैग्नीट्यूड 10 मेगापास्कल, मतलब सिग्मा एक्स और सिग्मा वाई दोनों 10 है। इफ द यूनिट ऑफ सिग्मा और टाउ प्लेन इज 1, द मोहर सर्किल रिप्रेजेंट, क्या क्वेश्चन है भाई, इसे मोहर सर्किल बनाना है बेटे, बना दोगे क्या सर? यहां से सिग्मा एक्स कह रहा 10 मेगा पास्कल को आप एक काम कर लो, ये 1 मेगा पास्कल कंसीडर कर लो, ये स्केल में कन्वर्ट करो। तो मैंने 1 मेगा पास्कल भेजा, ठीक है ना, मैंने क्या करा, 1 मेगा पास्कल, तो 1 मेगा पास्कल में मैंने स्केल कंसीडरेशन किया कि 1 मेगा पास्कल बराबर 1 यूनिट, ये कितना है 10 मेगा पास्कल, कितना यूनिट होगा 10 यूनिट। क्वेश्चन में बोल रहा है भाई, मैंने नहीं कुछ किया है, ये बोल रहा है 1 मेगा पास्कल। तो यहां होगा हमारा सिग्मा एक्स और सिग्मा वाई भी वही होगा। तो मेरे भाई इस केस में मोहर सर्किल कैसा बनेगा, मोहर सर्किल कैसा बनेगा इस केस में, मोहर सर्किल पॉइंट बनेगा। अगर मोहर सर्किल पॉइंट बना तो देखो ध्यान से क्या होगा, ऑप्शन डी, ए पॉइंट मोहर सर्किल क्या बनेगा, मोहर सर्किल एक पॉइंट बनेगा ऑन द सिग्मा एक्सिस एट ए डिस्टेंस ऑफ 10 यूनिट फ्रॉम द ओरिजिन, ये 10 यूनिट होगा, समझ गए मेरी बात, क्लियर है, क्लियर। अब हम लोग प्रिंसिपल स्ट्रेन करेंगे ध्यान से। अच्छा, प्रिंसिपल स्ट्रेन से पहले ये क्वेश्चन छूट रहा है, ये क्वेश्चन छूट रहा है, आपको याद है, मैंने बोला था ये क्वेश्चन भी करने का अपने को, ठीक है ना। एक मशीन फ्रेम ना, फटाफट देखिए इस क्वेश्चन को ट्राई करिए जल्दी से।
ट्राई किया क्वेश्चन, बहुत अच्छा है। ध्यान से देखो, ए मशीन फ्रेम, कितने लोगों ने ट्राई किया, सब कर ही रहे हैं। ए कहाँ चले गए सारे, दो टाइम पे क्लास नहीं चाहिए क्या? चलो, ए मशीन फ्रेम एज सोन इन फिगर बिलो इज सब्जेक्टेड टू हॉरिजॉन्टल फोर्स ऑफ 600 न्यूटन पैरेलल टू जेड एक्सिस। ये जेड एक्सिस में लगा है बेटे, ठीक है ना, ये जेड एक्सिस में लगा है। देखो ध्यान से समझना, ये जेड एक्सिस में लगा हुआ है, तो इसके कारण इस पे क्या क्या जनरेट होगा जरा देखो। जैसे मान लो कोई चीज एल टाइप का, जैसे मान लो ये है, ऐसा है, ऐसा है, ऐसे समझो, और एक फोर्स ऐसे लग रहा है, एक फोर्स कुछ इस तरीके से, समझो इस बात, कुछ इस तरीके से अपना हाथ, ठीक है ना, और फोर्स किधर से लग रहा है, ये पेन की तरफ से 600 न्यूटन। और ये क्या है, ये आईआईटी कानपुर का क्वेश्चन है, ध्यान से पढ़ लो, बहुत अच्छा क्वेश्चन है, कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन है। और जब इधर से फोर्स आएगा माय डियर, तो क्या होगा जरा देखो, जैसे इधर से फोर्स आया तो ये इसको क्या करेगा, ये इसको क्या करेगा, ट्विस्ट करेगा। अगर इधर से फोर्स आया तो ये इसको क्या करेगा, ऐसे ट्विस्ट करेगा, उधर नहीं घूम पाएगा मेरा हाथ, ऐसे घूम जाएगा, ठीक ना। तो अगर मान लो ऐसे है, यहाँ फोर्स लग रहा है, तो ये क्या करेगा, ऐसे ट्विस्ट करेगा, तो ये पार्ट क्या करेगा, ट्विस्ट करेगा, कितने से, टॉर्सन, टॉर्क 600 न्यूटन इंटू 500 mm, एक टॉर्क लगेगा इस सिस्टम पे, इस सिस्टम पे क्या लगेगा, एक टॉर्क लगेगा 600 इंटू 5, 600 इंटू 500, एक टॉर्क लगेगा, ठीक है। अब अगर इस 600 को हटाना है, तो ऐसा समझना कि जब ये टॉर्क लग रहा है, ठीक है ना, तो इस 600 को हटाने के लिए अपन क्या करेंगे, कपल, मतलब हम क्या कर रहे हैं कि ये टॉर्क आया कहां से, मैं आपको वो भी समझा देता हूं। अगर मैं इस पॉइंट पे एक इधर से और एक इधर से फोर्स लगाऊं, कौन सा फोर्स, पी, तो जरा ध्यान से देखो, मैं ये वाला पी फोर्स किसी अलग कलर से लगा देता हूं, ये वाला पी और ये वाला पी, मतलब पी का मतलब वही 600, देखो ये वाला 600, ये वाला 600, तो एक कपल बना देगा टॉर्क, ये वाला और ये वाला, ये दोनों तो कपल बना देगा, दिस दिस एंड दिस। नाउ अब बारी आई इस 600 की, तो ये इसके परपेंडिकुलर लगा है, ठीक है ना, मतलब अब यहां से यहां की बात आई, तो लोड इसके परपेंडिकुलर लगा है। अगर लोड इसके परपेंडिकुलर लगा है तो ये इसको बैंड करने की कोशिश करेगा, क्योंकि यहां से फिक्स है, तो इसको बैंड करने की कोशिश, मूवमेंट आएगा, क्या आएगा, मूवमेंट, क्या आएगा, मूवमेंट आएगा। तो मूवमेंट कितने का आएगा, ठीक है, 600 इंटू 300, 600 इंटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस 300, तो ट्विस्टिंग और बेंडिंग दोनों आएगा इस फ्रेम के ऊपर, ठीक है ना। द नॉर्मल एंड सियर स्ट्रेस इन मेगा पास्कल एट ए पॉइंट, हमें ये दोनों जानना है। नहीं, वेक्टर वेक्टर से कहा है, कर कहा है, इतना टेंशन ले रहे हो, अबे नॉर्मल एंड सीयर स्ट्रेस बताना इतना आसान क्वेश्चन है। टी और एम तुम्हें पता चल गया, तुम लोगों को ये तो पता ही है ना कि टाउ जो होता ही होता है 16 T/π d का क्यूब, और सिग्मा बी बेंडिंग स्ट्रेस क्या होता है, 32 M/π d का क्यूब, ये तो जानते ही हो। अरे टी बाई जे, टाउ बाई आर, जी थीटा अपॉन एल, एम बाई आई, सिग्मा बी अपॉन वाई, ई बाई आर, उस फॉर्मूले से दोनों तो आप जानते हो, मैक्स ओम में तो आपको वही तो निकालना है, नॉर्मल सीयर खत्म, रख दो। कुछ दिया है डायामीटर वगैरह, हाँ देखो ना, ये फाई का साइन जो होता है ना, ये डायामीटर का साइन होता है, किसका होता है, डायामीटर का, डायामीटर कितना, 30 mm। ओके, तो अपन करते हैं इससे,
16 इंटू टी कितना दिया बेटे, 600 इंटू 500 बेटे पाई डी का क्यूब, डाया कितना है बेटे 30। और यहां सिग्मा भी क्या होगा 32 इंटू एम, 600 इंटू 300 ठीक है ना, दिस इज सिग्मा बी, दिस इज टाउ। ओके फटाफट निकाल के आंसर दे दो, खत्म कहानी। देखो सॉल्व करो जल्दी से, कितना है, हो गया बेटे कैलकुलेशन कर लो बस, हो गया आंसर कैलकुलेशन बस। कैलकुलेशन कर लो, फिफ्टी सिक्स पॉइंट फाइव एट, और इसका कितना आ गया, सिक्सटी सेवन पॉइंट नाइन जीरो, दैट्स इट। यही है दो नंबर क्वेश्चन, फिफ्टी सिक्स, अच्छा पहले नॉर्मल फिर सीयर, नॉर्मल है सिक्सटी सेवन देन सीयर है फिफ्टी सिक्स। देखो ऑप्शन ए, इंतजार कर रहा है आपका। क्या कोई वेक्टर लगाना पड़ा, क्या कुछ भी वेक्टर यूज करना पड़ा, नथिंग। अरे ये तो पूछ रहा है नॉर्मल, मतलब हमारा जो नॉर्मल स्ट्रेस उस पर लग रहा है, मतलब परपेंडिकुलर वाला। अरे भाई नॉर्मल स्ट्रेस का मीनिंग होता है परपेंडिकुलर, और सीयर मतलब जो पैरेलल लग रहा है। तो आप तुम खुद ही सोच लो बेटे, ठीक है ना, ये लोड जो लग रहा है 600 न्यूटन, ये क्या है, पैरेलल है, तो इसके कारण तो टॉर्क आएगा। और यहां जो 600 लग रहा है वो इसके परपेंडिकुलर है, तो उसके कारण बेंडिंग आएगा, मतलब उसके कारण नॉर्मल आएगा, इसके कारण सीयर आएगा। गेटिंग माई पॉइंट, आया बात समझ में, आया बात समझ में, बोलो हाँ या ना। कितने बच्चे ऐसे हैं जिनको ये नहीं पता चला ये कहां से आया, कितने बच्चे ऐसे हैं जिनको ये नहीं पता चला कहां से आया। क्लियर है, बताइए। ठीक है, अगर ये नहीं पता चला तो एक बार पूछ लीजिएगा। नाउ अब उसी क्वेश्चन में सेम क्वेश्चन सेम कॉन्सेप्ट, आगे बढ़ते हैं। दूसरा पॉइंट दो नंबर का फिर से, आईआईटी कानपुर, द मैक्सिमम प्रिंसिपल स्ट्रेस एंड द ओरिएंटेशन ऑफ करस्पॉन्डिंग प्रिंसिपल प्लेन, मतलब थीटा इन डिग्री। मैक्सिमम प्रिंसिपल स्ट्रेस मतलब सिग्मा वन बताइए, और करस्पॉन्डिंग थीटा पी, करस्पॉन्डिंग प्रिंसिपल प्लेन बताइए, ये कैसे आएगा। एक सेकेंड में हो जाएगा ये क्वेश्चन। जैसे सर बेटे देखो, सिग्मा वन का फॉर्मूला सब जानते हो, सिग्मा एक्स प्लस सिग्मा वाई बाई टू प्लस रूट ऑफ सिग्मा एक्स माइनस वाई बाई टू स्क्वायर प्लस टाउ एक्स वाई स्क्वायर। सिग्मा वाई नहीं हटा दो, क्यों, क्योंकि एक है बस, क्या एक है, एक है सिग्मा, एक है ना बस, एक सिग्मा पता है मुझे, तो इसी को आप सिग्मा एक्स मान लो 67.90। प्लस टाउ, टाउ एक्स वाई क्या होगा,
हमें टाउ मिला है, यही है टाउ एक्स भाई, 56.58। बस इसको सॉल्व कर दो, बता दो कितना सिग्मा वन है। सिग्मा वन आते ही सारा काम चुटकी बजा के हो जाएगा। बताइए आज तक पी पॉइंट के अबाउट वेक्टर लेके सॉल्व किया था। अरे बाबा सर, सीयर में 600 ऐड नहीं होगा क्या? कहाँ बेटे, सीयर में 600 ऐड काहे लिए 600 ऐड करोगे भाई? ये टॉर्क है, ये मोमेंट है, खत्म। सीयर स्ट्रेस 600 ऐड काहे करोगे? ये लोड है और ये स्ट्रेस है, ये स्ट्रेस है मेरे भाई, स्ट्रेस। वो लोड था, इसको कैलकुलेट करो ना, मेरे को बताओ ना कितना है, उसको कैलकुलेट करके बताइए जल्दी से कितना आया। कैलकुलेट करके बताओ कितना आया सर। सीयर का एक कंपोनेंट नीचे आएगा, 1600 बाई ए ऐड होना चाहिए, मतलब मेरे भाई शायद आप समझ नहीं पा रहे हो, आप शायद बेंडिंग इफेक्ट ले रहे हो, ठीक है ना, आप शायद बेंडिंग इफेक्ट ले रहे हो। और आप जानते हो क्या कर रहे हो, मैं आपको बता रहा हूँ, आप ना ये इफेक्ट लेकर चल रहे हो, मैं आपको बता दूं, आप अभी भी धोखे में जी रहे हो, ठीक है ना। आप शायद ये ले रहे हैं, ये हमारी एक्सिस है और हमारा लोड यहाँ लग रहा है पी फोर्स, तो आप इसको ऐसे कन्वर्ट कर रहे हो, ये एक कपल, ये पी का एक कपल और ये पी फोर्स, तो आप एक कपल, यहाँ एक लोड और यहाँ एक कपल, आप ये दोनों लगा रहे हो, ठीक है ना। ये बेंडिंग इफेक्ट है मेरे भाई, ये सीयर इफेक्ट नहीं है, इसको बेंडिंग इफेक्ट कहते हैं इसेंट्रिक लोडिंग कंडीशन में। और यहाँ बेंडिंग वेंडिंग नहीं है, यहाँ क्या हो रहा है इस चीज को समझो, ऐसे समझो कि जैसे मान लो तुम्हारे घर में दरवाजा है ना, ऐसे समझो कि कोई डोर है, कहीं ना कोई डोर है, ये डोर है तुम्हारा, ठीक है ना। जिसको नहीं समझ में आया ध्यान दो, ऐसे समझो कि ये तुम्हारे घर का दरवाजा है, ठीक है ना। और ये जो है ये दीवाल है, अब ये दरवाजा है, अब मैं कह रहा हूं दरवाजा खोलो या दरवाजा बंद करो, तो क्या करोगे? ऐसे पकड़ोगे दरवाजा को, खोलोगे बंद करोगे, यही ना, यही करोगे ना, यही हो रहा है। जब तुम दरवाजा खोल रहे हो तो तुम इसके अबाउट क्या कर रहे हो, टॉर्क, तुम इसके अबाउट ऐसे टॉर्क कर रहे हो, ऐसे नाच रहे हो उसके अबाउट। हाँ वो अलग बात है, दरवाजा पूरा बंद नहीं होगा, मतलब पूरा घूमता नहीं है, एक समय के बाद बंद हो जाता है। मैं एक बात बता रहा हूं, वो कुछ ऐसा है, ऐसे पकड़ के घुमा रहे हो, तो मैंने लोड को जो ट्रांसमिट किया ना, तुमने ऐसा फोर्स लगाया दरवाजा खोलने और बंद करने में, नहीं है तो घर के दरवाजे के पास चले जाओ, समझ में आ जाएगा। दरवाजे को पकड़ो कॉर्नर से, उसको बंद करो और खोलो, तुम्हें समझ में आ जाएगा फोर्स कैसे लग रहा है। तुम दरवाजे को दबा के थोड़ी ना बंद कर रहे हो, दरवाजे को ऐसे खोल रहे हो बंद कर रहे हो, वो कॉन्सेप्ट है। कितना है, 99.93। कितना है ऑन एन अप्रोक्स 100। अगर 100 आया तो तुम आप देखो, यहां तो 100 नहीं है, यहां 100 नहीं है, ये दोनों गया, मतलब इन दोनों में से कोई एक होगा, इन दोनों में से कोई एक होगा, होगा ना, इन दोनों में से कोई एक होगा। तो अब सर थीटा पी कैसे निकलेगा ये भी बता दीजिए, कितना है, आपको पता है ना थीटा पी क्या होता है? हम लोग को एक फॉर्मूला बताया है, 2 थीटा पी बराबर
सॉरी टेन टू थीटा पी टू टाउ एक्स वाई अपॉन सिग्मा एक्स माइनस सिग्मा वाई, ये आप लोग पढ़ते हो फॉर्मूला, हाँ या ना? कितने बच्चों को पता है? कुछ बच्चे किताब का सॉल्यूशन देख रहे होंगे तो शायद उनको ना पता हो, वो शायद किताब का सॉल्यूशन ही देख रहे हैं, ठीक है ना? लेकिन कुछ बच्चे जो पढ़े हुए हैं, जो अपना कॉन्सेप्ट लगा रहे हैं, वो ध्यान देंगे, ठीक है ना? क्योंकि जो किताब देख रहे हैं उनके लिए कोई मतलब नहीं है क्लास देख रहे हैं, वो तो बस देख रहे हैं, इंजॉय कर रहे हैं क्लास, कोई मतलब नहीं उनके लिए। अच्छा, हमें टाउ एक्स वाई की जगह क्या मिला है? ये, और सिग्मा बी की जगह सिर्फ सिग्मा एक्स मिला, सिग्मा वाई नहीं मिला। कट, ठीक है ना? समझना मेरी बात, पूरी ध्यान सुनना। सर यहां से ये कट गया, तो ये जो थीटा पी आता है, यहां से जो थीटा आएगा माय डियर, ये होगा ओरिएंटेशन, सॉरी ये होगा हमारा इंक्लिनेशन प्लेन। दिस इज नॉट अ प्रिंसिपल प्लेन, दिस इज द इंक्लिनेशन प्लेन, ठीक है ना? कि हमारा प्लेन किस इंक्लाइंड पे, जैसे हम लोग बोलते हैं ना कि बेटे यहां से थीटा एंगल पे एक प्लेन है, इस प्लेन के ऊपर नॉर्मल शियर स्ट्रेस, नॉर्मल स्ट्रेस बताइए। हमारा थीटा आता है ये वाला, लेकिन हमें क्वेश्चन में ये नहीं पूछा है, हमें क्वेश्चन पूछा क्या है? प्रिंसिपल स्ट्रेस के करस्पॉन्डिंग, प्रिंसिपल स्ट्रेस निकालिए एंड द ओरिएंटेशन ऑफ द करस्पॉन्डिंग प्रिंसिपल प्लेन, मतलब प्रिंसिपल प्लेन के करस्पॉन्डिंग ओरिएंटेशन बताइए जिस पे ये स्ट्रेस है, वो कैसे आएगा? वो जान तो कैसे आएगा, वो देखना ध्यान से कैसे आएगा। उसके लिए कुछ नहीं है, सिंपल सा फंडा, ओरिएंटेशन अगर आपको निकालना है, आपको अगर ओरिएंटेशन निकालना है तो आप बड़े आसानी से सॉल्व कर सकते हो। मोहर सर्किल लगा दो तो भी हो जाएगा, ठीक है ना? मोहर सर्किल लगा दो तो भी हो जाएगा, ठीक है ना? आप कैसे भी करके जुगाड़ कर सकते हो, मोहर सर्किल से भी कर सकते हो, ठीक है ना? आराम से हो जाएगा, ठीक ना? सॉल्व करिए इसको, कितना आया है? किसी का आया? किसी का इसने डिलीट कर दिया, 32, 60, 60.48, 20 इज द राइट आंसर, 20 इज द राइट आंसर, ठीक है ना? 20 इज द राइट आंसर, 20 का राइट आंसर है, बी इज द राइट आंसर। सही है, क्लियर? मैं भी कर लूं, ठीक ना? कुछ बच्चों ने 29 किया था, मैं बता दूं, उन्होंने प्रिंसिपल प्लेन वाला नहीं, उन्होंने एंगल दे दिया था इंक्लाइन प्लेन का, हमें वहां प्रिंसिपल प्लेन पूछा है, ठीक ना? कृपया ध्यान दें, तो 60 ही आएगा, 29 नहीं आएगा। अच्छा, इस क्वेश्चन में ये भी दिया है, कहां गए? इस क्वेश्चन में ये भी एंगल दिया, ये भी एंगल दिया, दोनों आंसर आ रहा है। अगर आप गलती करो तो दोनों में से कोई एक हो जाएगा, ठीक है ना? बट एक आंसर है हमारा करस्पॉन्डिंग ओरिएंटेशन का, और एक आंसर है हमारा इंक्लिनेशन प्लेन का। ये इंक्लिनेशन प्लेन एंगल आएगा और ये करस्पॉन्डिंग एंगल आएगा, तो जिसको नहीं पता है दोनों में डिफरेंस, वो ये मार के आएगा, क्योंकि वो फॉर्मूला रटेगा, ठीक है ना? ध्यान से इसे, गड़बड़ी कहां होती है पता ही नहीं चलेगा फिर, ठीक है ना? हाँ, बिल्कुल सत्य बात बेटा, ये जो आंसर है ना, ये इंक्लिनेशन प्लेन एंगल है, दिस इज नॉट अ प्रिंसिपल प्लेन करस्पॉन्डिंग एंगल, द करस्पॉन्डिंग ओरिएंटेशन एंगल टू द प्रिंसिपल प्लेन, दैट इज 60, वो 60 आएगा। उसको कैसे निकालते हैं? कुछ नहीं यार,
वाई अपॉन एक्स, दिस परपेंडिकुलर अपॉन बेस, कहने का मतलब है, ठीक है ना? परपेंडिकुलर अपॉन बेस कर दो आराम से। अच्छा ये वाला भी हो गया, पीछे चलो। अब आते हैं बेटे इस ट्रेन पे, या नाउ मैक्सिमम शियर स्ट्रेन, डियर स्ट्रेन की अगर मैं बात करना चाहूं तो कुछ नहीं है, जो भी आप सिग्मा का फॉर्मूला पढ़ रहे हो उसकी जगह बस ई एक्स लिख देना, सिग्मा वाई की जगह ई वाई रख देना, ठीक है? बट एक चीज ध्यान रखना, जब टाउ एक्स वाई आए तो गामा एक्स वाई बाई टू। देखो ये नॉर्मल स्ट्रेस इन एक्स डायरेक्शन, नॉर्मल स्ट्रेन इन एक्स डायरेक्शन, नॉर्मल स्ट्रेन वाई डायरेक्शन, वाई डायरेक्शन, सीयर स्ट्रेस एक्स वाई प्लेन पे, सीयर स्ट्रेन एक्स वाई प्लेन पे डिवाइड बाई टू। अगर मैक्सिमम सीयर स्ट्रेस का जो भी फॉर्मूला है, ठीक ना, आप उसकी जगह क्या रखोगे बेटा? ये उसकी जगह रखोगे, ये नहीं कि उसके बराबर होता है, उसकी जगह रखोगे, गामा मैक्स बाई टू। अब जैसे इस क्वेश्चन में मैक्सिमम सीयर स्ट्रेन पूछा है, तो व्हाट इज द मैक्सिमम सीयर स्ट्रेस? सो दिस इज सिग्मा एक्स माइनस ए सॉरी सिग्मा एक्स का सिग्मा वन माइनस सिग्मा टू बाई टू। ओके सेम इज, इसको कन्वर्ट करते हैं, गामा मैक्स आपको पता है ना, टाउ की जगह गामा आएगा तो बाई टू हो जाएगा, सिग्मा वन की जगह ई वन आ जाएगा, सिग्मा टू की जगह ई टू आ जाएगा, डिवाइड बाई टू तो होता ही है, यहाँ टू से टू कट जाएगा। तो हमें क्वेश्चन में क्या पूछा, व्हाट इज गामा मैक्स? दिस इज ई वन माइनस, समझ गए? अब ये हजार और माइनस 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 प्लस, आंसर सी, 1000 माइनस माइनस 600, इंटू 10 पावर माइनस 6, दैट इज 1600। आया आया, देखो आ गया, या सी इज द राइट आंसर। नाउ स्ट्रेन के अगले क्वेश्चन पे चलते हैं, प्रिंसिपल स्ट्रेन के। आज हम लोग प्रिंसिपल स्ट्रेन करके यहीं तक रखेंगे, फिर नया चैप्टर कल से करेंगे। क्वेश्चन बड़े अच्छे अच्छे ठीक है, नया चैप्टर फिर कल से करेंगे। अभी इसको खत्म होने में, प्रिंसिपल स्ट्रेन को अभी खत्म होने में करीबन लगेगा 25 से 30 मिनट, ठीक है ना? 25 मिनट तो कम से कम लगेगा, ठीक है ना? ए रेक्टेंगुलर रीजन इन ए सॉलिड, ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है, लिटरली बहुत तगड़ा क्वेश्चन, मतलब वेरी वेरी गुड क्वेश्चन, गुड क्वेश्चन, ओपी क्वेश्चन। रेक्टेंगुलर रीजन इन ए सॉलिड इन ए स्टेट ऑफ प्लेन स्ट्रेन, द एक्स वाई कोऑर्डिनेट्स ऑफ द कॉर्नर ऑफ द अनडिफॉर्म्ड रेक्टेंगुलर इज गिवन बाय पी क्यू आर एस। इसका कोऑर्डिनेट दिया, द रेक्टेंगल इज सब्जेक्टेड टू यूनिफॉर्म स्ट्रेन ई एक्स एक्स ई वाई वाई गामा एक्स वाई, द डिफॉर्म्ड लेंथ ऑफ द इलोंगेटेड डायगोनल अप टू 3 decimal प्लेस। ब्यूटिफुल क्वेश्चन, मतलब चाहता तो इस क्वेश्चन को ना वो फिगर बना के दे देता, ठीक ना? लेकिन बहुत 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 प्यार से बनाया इस क्वेश्चन को, ठीक है ना? पहले मैं आपको क्वेश्चन समझाता हूं कह क्या रहा है, फिर उसके बाद मैं आपको बताऊंगा क्वेश्चन है क्या, पूछ क्या रहा है, पहले समझो, यही समझा दो।
नाउ एक्स वाई कोऑर्डिनेट पी क्यू आर एस, ये चार चीजें हैं पी क्यू आर एस, ओके। ओरिजिन हमारा क्या है पी, जैसे 0,0, क्यू 4,0, मतलब पहले एक्स होता है फिर वाई होता है, तो एक्स पे चार चलेगा, यहां क्यू आएगा 4,0, ऐसे ही आर 4,3, चार यहां से जहां चल लिया अब तीन चलेंगे ऊपर, ये क्या है आर, एस 0,3, ये यहां से यहां आ जाएगा, ठीक है। सो माय डियर यू कैन सी दिस पी क्यू आर एस, ये हमें दिया हुआ है, जल्दी जल्दी देखिए, जल्दी फटाफट देखिए पी क्यू आर एस, ठीक है। रेक्टेंगल इज सब्जेक्टेड टू यूनिफॉर्म स्ट्रेन, अब इस क्वेश्चन में देखो ध्यान समझ, रेक्टेंगुलर रीजन बन गया हमारा सॉलिड स्टेट का, एक्स वाई कोऑर्डिनेट के ऊपर ये सारी चीजें दे दी, अब द रेक्टेंगल इज सब्जेक्टेड टू यूनिफॉर्म स्ट्रेन ई एक्स एक्स ई वाई वाई गामा एक्स वाई, हमें तीनों दिया है, कह रहे थे डिफॉर्म्ड लेंथ ऑफ द इलोंगेटेड डायगोनल, डिफॉर्म्ड लेंथ कौन सा बेटे डायगोनल, जो डायगोनल वाला हिस्सा है ना ये है डिफॉर्म लेंथ, मतलब इस डायगोनल को पकड़ के हमें खींचना है, ये डिफॉर्म होगा, मतलब ये जब डिफॉर्म होगा यू कैन सी दिस, ये ऐसे करके खींचोगे ना तो ये डिफॉर्म होगा, डिफॉर्म होगा तो कैसा शेप आएगा बेटे, यहां ऐसा कुछ बना नहीं है, ओके चलो मैं आपको बना के दिखा देता हूं ये शेप कैसा आएगा, रेक्टेंगल से बन सकता है, सी दिस शेप कुछ ऐसा हो जाएगा इसका, इसी के ऊपर बना दे, समझ गए, ये इसको खींचेगा ना तो ये डायगोनल इसका डिफॉर्म हो जाएगा, खींच जाएगा, ठीक ना, डायगोनल में ऐसे पकड़ के खींच दिए, जैसे मान लो कोई आपके पास रुमाल हो तो रुमाल को पकड़ के साइड से ऐसे खींच दो तो कुछ उसी तरह के हुआ, ठीक है ना, तो डिफॉर्म इलोंगेटेड, अब तो मतलब वही डिफॉर्मेशन हमें यहां निकालने का है, ठीक है ना, अच्छा डिफॉर्म्ड लेंथ की बात कर रहा है, डिफॉर्म्ड लेंथ निकालना है मतलब फाइनल लेंथ, डिफॉर्म्ड लेंथ मतलब हमें क्या बता रहा है फाइनल लेंथ निकाल के दीजिए, ठीक है ना, अब मेरे को एक चीज बताओ, थोड़ा सा मैं इन सब चीजों को हटा दूं, अब मेरे को एक चीज बताओ ये लेंथ कितनी है, तो सर ये डिस्टेंस है चार, ये डिस्टेंस है तीन, ये लेंथ कितनी है बेटे दैट इज फाइव, अरे पाइथागोरस यार ये चार ये तीन तो ये कितना होगा पांच, अब ये पांच डिफॉर्म्ड होगा, पांच क्या होगा डिफॉर्म्ड होगा, बोलो हाँ या ना, फोर पॉइंट नाइन नाइन, अरे रुको तो, ठीक है ना, ये डिफॉर्म्ड होगा, अब सर हमें पता नहीं है कितना डिफॉर्म्ड होगा,
हाँ तो पहले पता कर लो। तो सर कैसे पता चलेगा? आइए अब मैं आपको बताता हूं कैसे पता चलेगा। बेटे ये जो डायगोनल है, अब हमको भी नहीं पता ये किस एंगल पे, आई डोंट नो। वैसे तो डायगोनल 45 में ही दिखेगा सर। हाँ ये बात तो भाई सही है। आइए देखते हैं रेक्टेंगल का डायगोनल कितने पे आएगा, 45 पे आएगा, और किस पे आएगा, 45 डिग्री पे। बेटे अगर मैं नॉर्मल स्ट्रेन लिखना आपको बताऊं एट एनी थीटा पे, आप लोग याद है नॉर्मल स्ट्रेस आप लोग लिखा करते थे शेर की शेरनी उसे मिल जाएगी, वही वाला लिख रहा हूं मैं, शेर की शेरनी अगर उसे मिल गई तो वो खुश हो गया, समझ गए? क्लियर है? बता भाई, ठीक है ना? अब बच्चों आप थोड़ा ध्यान से देखना इस क्वेश्चन में ना, हमें ई एक्स एक्स ई वाई वाई गामा एक्स वाई सब की मैंने ए टू जेड सब की मैंने, बट द पॉइंट इज को एंगल क्या है, यहां एंगल क्या है, कितना एंगल है? तो सर आपने अपने मन से 45 डिग्री बोल रहे? नहीं बेटे, ये थीटा निकालो, टेन थीटा बराबर 3/4, थीटा कितना है बता दो बस। अरे परपेंडिकुलर अपॉन बेस यार, थीटा सब पता है। कितना है 36.86। अब ये हम लेकर जाएंगे, हमें ई एक्स ई वाई और गामा एक्स वाई पता है, थीटा भी पता चल गया हमें, नॉर्मल स्ट्रेन बताओ इस थीटा एंगल पे, मुझे नॉर्मल स्ट्रेन बता दीजिए, बहुत आपका मेहरबानी होगा। बताइए 36.86 है, ई एक्स कितना भाई? हाँ 0.001, ई वाई 0.002 और गामा एक्स वाई 0.003, ये तो हमेशा याद रहेगा, 0.001 प्लस 0.002 डिवाइड बाई 2, प्लस 0.001 माइनस 0.002 डिवाइड बाई 2 कॉस 36.86 इंटू 2 73.73 कॉस 73.73 प्लस गामा है 0.003 डिवाइड बाई 2 साइन 73.7। ओके क्या आएगा नॉर्मल स्ट्रेन बताइए, जल्दी से बताइए, कैलकुलेशन फास्ट, नॉर्मल स्ट्रेन क्या आएगा फटाफट बताओ, 3/2, 0.1/2, 3/2। ओके ठीक, प्लस टू पॉइंट सेवन नाइन नाइन, आप लोग भी एक बार कैलकुलेट करना, इंटू 10^-3, दिस इज द नॉर्मल स्ट्रेन एंड वी नो दिस द नॉर्मल स्ट्रेन इज चेंज इन लेंथ टू द ओरिजिनल लेंथ, यस यही है हमारा नॉर्मल स्ट्रेन थीटा, सो द चेंज इन लेंथ इज व्हाट, नॉर्मल स्ट्रेन जो भी आया है इन टू ओरिजिनल लेंथ, ओरिजिनल लेंथ कितना है बेटे 5, 5 है ना, अरे भाई डायगोनल की ओरिजिनल लेंथ कितनी है 5, अच्छा क्वेश्चन है बेटे,
2.799 इंटू 10 टू पावर माइनस 3 इंटू 5 0.0139. दिस इज डेल्टा एल बट द क्वेश्चन सेज व्हाट इज द डिफॉर्म्ड लेंथ व्हाट इज द फाइनल लेंथ. The final length is nothing but original length plus change in length. Original length is 5 plus 0.0139. 5.0139. ठीक ना, आप इसको final length कह सकते हैं. एक सेकंड, मिलीमीटर क्यों लिखूं मैं, यूनिट दिया ही नहीं है. दिया है क्या क्वेश्चन में? ना दिया है, बस इतना यूनिट, यही आंसर. समझ गए मेरी बात? सर आपने एक चीज बताई है मेरे को, आपने, आपको कैसे पता चला यही लगाना है? बेटे ये इसलिए लगाना है क्योंकि जब मैं इसको पकड़ के खींचूंगा तो दिमाग लगाओ, थोड़ा थोड़ा बुद्धि का इस्तेमाल करो. मैं इसको खींचूंगा तो ये क्या है, ये मैं नॉर्मल स्ट्रेस लगा रहा हूँ. जी सर, तो यही तो नॉर्मल स्ट्रेस है, चेंज इन लेंथ टू द ओरिजिनल लेंथ. लेकिन ये जो नॉर्मल स्ट्रेन है, ये किसी ना किसी एंगल पे है, इसीलिए मैंने नॉर्मल स्ट्रेन पहले निकाला और फिर उसको फाइनली मैंने वही कर दिया, चेंज इन लेंथ टू द ओरिजिनल लेंथ. ठीक है, सो द फाइनल आंसर इज 5.01 4 कह सकते हो, 5.014. सभी को क्लियर है? क्लियर है बेटे, सभी को क्लियर हुआ ये क्वेश्चन? ज्यादा टफ नहीं है ये क्वेश्चन, समझने वालों के लिए आसान है. सही है, हुआ क्लियर? यस सर. थीटा मेजर एक्सिस से लेंगे. हाँ अब सुनो मेरी बात, ये जो थीटा एंगल है ये बस मुझे चाहिए कि भाई हमें कैसे भी मिल जाए यहां से, ठीक है ना. ये एक थीटा एंगल है, ये मुझे यहां से चाहिए था, बस इनके बीच का एंगल निकाल लो. कहने का मीनिंग है इनके बीच का एंगल निकाल के ले आओ, दैट्स इट. ठीक ना, ये स्ट्रेन है, ये नॉर्मल प्लेन नहीं है बेटे. ओके, दिस इज अ वेरी ब्यूटिफुल क्वेश्चन, बहुत 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 अच्छा क्वेश्चन. ओके नाउ द नेक्स्ट स्ट्रेन क्वेश्चन, ये रहा, बहुत प्यारा क्वेश्चन, बेहद अच्छा क्वेश्चन, भले एक नंबर का, बेहद अच्छा क्वेश्चन, वो भले एक नंबर का. भले एक नंबर क्वेश्चन है लेकिन बेहद अच्छा क्वेश्चन. ये बेसिक कॉन्सेप्ट पे क्वेश्चन है, ये बहुत बेसिक कॉन्सेप्ट पे क्वेश्चन है. कंसीडर ए लीनियर इलास्टिक रेक्टेंगुलर थिन सीट, एक मेटल ले लो रेक्टेंगुलर, फिर उसके ऊपर यूनि एक्सेल टेंसाइल स्ट्रेस लगाओ 100 मेगापास्कल. ठीक है ना, अलोंग द लेंथ एज्यूम द प्लेन स्ट्रेस कंडीशन इन द प्लेन नॉर्मल टू द थिकनेस. अच्छा, प्लेन नॉर्मल टू द थिकनेस है, मतलब मोटा है, प्लेट थोड़ा मोटा है. यंग्स मॉडुलस पॉइजन रेशियो दिया, प्रिंसिपल स्ट्रेन इन द प्लेन ऑफ द सीट, इस पे प्रिंसिपल स्ट्रेस बता दो.
सॉरी प्रिंसिपल स्ट्रेन बता दो, सीट के ऊपर प्रिंसिपल स्ट्रेन। क्या होगा? ये सिग्मा एक्स है, सिग्मा वाई दिया नहीं है, ओनली यूनी एक्सेल। तो आपको पता है ना, आपको मैंने पढ़ाया ई एक्स ई वाई ई जेड, याद आ रहा है? मैंने पढ़ाया था ई एक्स ई वाई ई जेड, कल ही पढ़ाया था ना, लिखा भी होगा इतने, नहीं दिन वाला मिट गया था। हाँ, ये होगा सिग्मा एक्स बाई माइनस म्यू सिग्मा वाई बाई माइनस म्यू सिग्मा जेड बाई, याद आ रहा है? तो वाई जेड तो होगा नहीं, तो ये होगा सिग्मा वाई बाई ई माइनस म्यू सिग्मा एक्स बाई ई माइनस म्यू सिग्मा जेड बाई ई, ये होगा सिग्मा जेड बाई ई माइनस म्यू सिग्मा एक्स बाई ई माइनस म्यू सिग्मा जेड बाई ई। यहां एक्स है बस, वाई जेड नहीं है, ये वाई होगा, ये भी नहीं है। तो ई एक्स की जगह सिर्फ ये होगा, ई वाई ये होगा, ई जेड ये होगा, ठीक है? सो दीज आर द प्रिंसिपल स्ट्रेन। सर नीट इंस्टीट्यूट अच्छा है या आईआईटी मुंबई? देखो आईआईटी बॉम्बे अपनी जगह अच्छा है, आईआईटी बॉम्बे का थर्मल ब्रांच डिजाइन ब्रांच अच्छा है, ठीक ना? अगर नीटी की बात करोगे तो नीटी का अपना ही है प्रोडक्शन से रिलेटेड पूरा, ठीक ना? तो जो पीआई ब्रांच से कर रहा है तो उसके लिए ज़्यादा बेटर होता है, क्योंकि प्रोडक्शन से रहता है पूरा, पीजीडीएम का कोर्स होता है तो वो ज़्यादा बेटर होता है, मेरा मानना है, ठीक है ना? तो आईआईटी बम्बई अपनी जगह अच्छा है, अगर तुम्हें टेक्निकल पे फोकस करना है तो नीटी मुंबई में थोड़ी ना तुम्हें टेक्निक थर्मल मिलता है, थोड़ी ना उसमें डिजाइन मिलता है, वो तो पूरा आपका प्रोडक्शन वाला बेस्ड है, ठीक ना? एज लाइक तुम सोच लो कि एक एमबीए है वो, ठीक है ना? तो थोड़ा इस पे फोकस रखो। ठीक है, अच्छा ई वाई ई जेड दोनों सेम है, ठीक है सर। तो अब देखो हमें ई एक्स निकालना है, ई वाई ई जेड तो दोनों सेम ही है, ई एक्स है सिग्मा एक्स बाई ई, ये है माइनस म्यू सिग्मा एक्स बाई, सिग्मा एक्स है 100, ई है 200, ये भी मेगा पास्कल, ये भी मेगा पास्कल, अरे वाह, दिस इज 0.5 माइनस म्यू कितना है जी, 0.3, तो 100/200 0.15, सी दिस। तो तुम्हें यही पूछा है, 0.5 और 0.15, बी इज द राइट आंसर। एक नंबर क्वेश्चन छोटा सा, ठीक है ना? और रही बात गेट की, तो बेटे बस यही कहूंगा कि गेट की तैयारी कुछ इस तरीके से करो कि कम से कम, देखो इस बार तो पीएसयू बहुत ज्यादा आ रही है तो तुम्हारे पास टाइम भी बहुत कम है, और फोकस ऐसे रखो कि यार करीबन 60-70 नंबर से तो ऊपर हो जाए, जिसके 70 से ऊपर गए उसका कंफर्म इस बार, हमें जो लग रहा है इस बार पीएसयू में आराम से हो जाएगा, क्योंकि तो पीएसयू में वैकेंसी बहुत है इस बार, इतनी सारी पीएसयू, अभी भी पीएसयू आ रही है दो तीन, ठीक है ना? अभी भी आ गई है, तो थोड़ा सा उस पर भी फोकस्ड रहो, ठीक है ना? होगा, सब होगा, एवरी थिंग इज पॉसिबल वेन यू बिलीव इन योर सेल्फ। समझ गए मेरी बात? तो इसी के साथ हमारा प्रिंसिपल स्ट्रेन वाला चैप्टर, प्रिंसिपल स्ट्रेस स्ट्रेन सब कंप्लीट हुआ। रे 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 को ठीक है ना? अब हम लोग एसएफडी बीएमडी स्टार्ट करेंगे, नेक्स्ट चैप्टर शियर फोर्स बेंडिंग मोमेंट डायग्राम, ठीक ना? शियर फोर्स बेंडिंग मोमेंट डायग्राम पूरा हम लोग चलेंगे, एक एक करके सारे क्वेश्चन देखेंगे,
ठीक है ना। बट ये जो चैप्टर है ये हम लोग कल से शुरुआत करेंगे, ठीक है ना। कल सुबह 10:30 बजे, कल सुबह 10:30 बजे, ध्यान से। AM कल सुबह 10:30 बजे, एकदम ध्यान से सभी तैयार रहेंगे सुबह 10:30 बजे, चलेगा ना। सुबह 10:30 बजे Part 5। Part 5 सुबह 10:30 बजे, ठीक है। ओके, तो आज के लिए इतना ही रखते हैं अभी, और कल मैं SFD BMD पूरा कंप्लीट करूंगा, ठीक है ना। क्योंकि कल सुबह का जो क्लास होगा ना, दैट इज मोस्ट इंपॉर्टेंट क्लास, सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट हो। और अभी आप लोगों को पता है कि अपना बैच भी आ रहा है, तो अगर आपको कोई ज्वाइन करना है तो आप आलोक लाइव कोड लगाकर ज्वाइन कर सकते हैं। मेरा टेलीग्राम चैनल भी आलोक लाइव है, 4 महीने का सब्सक्रिप्शन आया, दैट इज द वेरी ब्यूटीफुल सब्सक्रिप्शन। आई थिंक कि आप ये सब्सक्रिप्शन प्लान को ज्वाइन कर सकते हो, कोड लगाना है आलोक लाइव। ओके, 2023 के लिए अगर प्रिपरेशन करना चाहते हो तो, ठीक है ना। और हमारा ब्रह्मास्त्र बैच आपको ज्वाइन करना है, दैट इज द 4 मंथ बैच। और इस ब्रह्मास्त्र बैच में जो है ना, आपको 4 महीने के लिए टॉप रेटेड 1000 से ज्यादा क्वेश्चन मिलेंगे, सब्जेक्ट वाइज वर्कबुक मिलेगा, गेट प्रीवियस ईयर क्वेश्चन मिलेगा, टेस्ट सीरीज मिलेगा, स्टडी मटेरियल आपको डिजिटल फॉर्म में मिलेगा। मतलब 4 महीने के लिए सारी चीजें ओपन कर दी गई हैं, DPP, डेली डाउट सॉल्विंग सेशन, ईच एंड एवरी थिंग एक स्टूडेंट को जो चाहिए 4 महीने के लिए, सिर्फ ₹19,000 के अंदर ये सारी चीजें हैं। आलोक लाइव कोड लगाओगे तो आपको डिस्काउंट भी मिल रहा है, ध्यान से, ठीक है ना। ध्यान रखिएगा, गुरुकुल बैच आ रहा है, दैट इज 14th of October से, तो आप यहाँ हमारे साथ जुड़ सकते हैं। ये अपना बैच है, आलोक लाइव कोड लगाइए, इस बैच को फटाफट ज्वाइन कर लीजिए, और इससे पहले ही आप सब्सक्रिप्शन ले लीजिए, क्योंकि इससे पहले ही आपको कई सारे ऑफर्स और भी देखने को मिलेंगे, ठीक है ना। तो ध्यान रखिएगा, कई सारे क्लासेस आपको देखने को मिल रहा है, सारी क्लासेस को आप ज्वाइन कर सकते हैं, यहां मैं आपको दिख रहा हूँ, सी दिस, ठीक ना। दीज आर द फीचर्स, प्लस और आइकॉनिक, हमारे पास 2 टाइप के सब्सक्रिप्शन हैं, एक प्लस है, एक आइकॉनिक है। प्लस पे आपको टॉप एजुकेटर, डिजिटल नोट्स और टेस्ट सीरीज मिलता है, लेकिन नोट्स आपके घर नहीं भेजा जाएगा, डिजिटल रहेगा, ऑनलाइन पढ़ पाओगे। आइकॉनिक के अंदर क्या होगा, आइकॉनिक के अंदर आपको प्रिंटेड नोट्स मिलेगा, आपके घर भेजा जाएगा नोट्स। ध्यान रखिएगा, लाइव मेंटरशिप सेशन, स्ट्रेटजी सेशन, स्टडी प्लानर, बहुत सारी चीजें हैं जो आपको देखने को मिलता है आइकॉनिक के अंदर। सो 6 महीने, 9 महीने, 12 महीने, 18 महीने, 24 महीने का आप कोई भी प्लान चूज कर सकते हो, आलोक लाइव कोड लगाकर हमारे साथ ज्वाइन कर सकते हैं, ध्यान रखिएगा। और आप 2463 पर मंथ बेसिस पे भी आप हमारे साथ ज्वाइन कर सकते हैं, आलोक लाइव कोड लगाइए। आप पर मंथ बेसिस पे नो कॉस्ट EMI, 1 भी रुपया एक्स्ट्रा नहीं लगेगा। आप अपने क्रेडिट कार्ड, डेबिट कार्ड, किसी से भी पेमेंट कर सकते हैं, अगर आपके पास बजाज फिंजर है तो आप उससे भी, उस कार्ड से भी पेमेंट कर सकते हैं। आइकॉनिक के लिए आपको ₹368 एक्स्ट्रा लग रहा है, आप उसको भी यहाँ देख सकते हैं। यहाँ जो ₹10,000 का डिफरेंस है, ये सिर्फ बुक्स का डिफरेंस है, बुक्स का रेट है वो, लेकिन स्पेशल क्लास में भी हमारे साथ जुड़ सकते हैं, कम्युनिटी फीचर्स पे भी आप हमारे साथ यहाँ बने रह सकते हैं, डियर सीरियस, ठीक ना। सेशन अच्छा लगे, सेशन को लाइक करिए, और अगर कोई भी डाउट रहे ना तो इस टेलीग्राम चैनल पे जरूर पूछ लीजिएगा। IIT के प्रोफेसर भी यही कहते हैं, क्वेश्चन को अलग तरीके सॉल्व करके देखो, मजा आ गया नजरिए सॉल्व करके। बहुत बहुत धन्यवाद सर। सुबह का टाइम चेंज कर सकते हैं क्या? कल कल के लिए ले लो, सिर्फ कल कल के लिए ले लो, मैं सुबह का टाइम चेंज कर दूंगा। ओनली कल के लिए क्लास ले लो सुबह, मैं परसों से चेंज कर दूंगा। सुबह का क्लास सिर्फ कल के लिए आप लोग ले लो,
उस क्वेश्चन में अगर सिग्मा वाई दिया रहता तब पहले प्रिंसिपल स्ट्रेस निकालना है। यस हाँ ठीक है ना। तो आलोक लाइव कोड लगाइए, आलोक लाइव टेलीग्राम चैनल पे भी जुड़ सकते हैं, और आलोक लाइव कोड लगाकर आप हमारे साथ अनअकैडमी प्लस के प्लेटफॉर्म पे भी जुड़ सकते हैं। ओके सो आई होप कि आप लोग सब समझ आ गया होगा, और मेरा पूरा गाइडेंस रहेगा यार, हमारे साथ जुड़े रहोगे तो बहुत सारी चीजें हैं। लास्ट 3 ईयर से आपके साथ यही हूँ, 3 साल से मैं आपके साथ यही कनेक्टेड हूँ, एंड आई होप कि 3 साल मेरा कंप्लीट भी हो गया अनअकैडमी में, ठीक है ना। तो सेशन अगर अच्छा लगा हो सेशन को लाइक करिए, शेयर करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए, हमारे साथ जुड़े रहिए, बने रहिए, और इसी तरह मेहनत करते रहो यार, आगे बढ़ते रहो। सफलता का कोई शॉर्टकट नहीं होता है, जो मेहनत करता है उसी को सफलता मिलता है, ठीक है ना। सो मिलते हैं फिर अगले सेशन में। सो टिल देन एंजॉय, बाय बाय, तब तक ले सभी को जय हिंद जय भारत।